Assalamualikum viewers, welcome to my channel Shahjis Smart Advice. आज मैं आपको अस्थमा के बारे में बताऊंगा. ये एक किस्म का लॉन्ग टर्म डिजीज़ है जो अक्सर लोगों को होता है और इन्फेक्शन हो जाता है और स्वेलिंग होती है ट्रेकिया में और कैपिलरीज में. इसमें इसके जो मेन कॉजेज़ होते हैं वो जेनेटिक्स भी होते हैं, जैसे फादर मदर के थ्रू आया हुआ हो. उसमें इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, अच्छा एयर पोल्यूशन है, फैक्ट्रीज़ का पोल्यूशन है. इस तरह के पोल्यूशंस की वजह से भी काफ़ी अस्थमा के केसेस होते हैं और आम बहुत से ममालिक में ये पाए जाते हैं. इसमें एक और फैक्टर है जो हाइजीनिक भी, अगर हाइजीनिक नहीं हो, आसपास का माहौल साफ़ सुथरा ना रखा हुआ हो घर को, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है. उसके अलावा घरों में कालीन होते हैं या पेट्स पाले हुए हों तो उसकी वजह से भी अस्थमा होने का ख़तरा होता है अक्सर केसेस में. अच्छा, इसमें जो होम्योपैथिक रेमेडीज़ इस्तेमाल होती हैं उसमें सबसे पहले ब्लाटा ओरिएंटालिस क्यू में है. वो कफ़ और होर्सनेस, जैसे कि सी टी सी बज रही हो, तो जब आप सांस लें तो सी टी सी बज रही हो, तो उसमें उन केसेस में ब्लाटा ओरिएंटालिस होती है. इसके अलावा पोथोस है, वो भी क्यू में है जो कि ली जाती है. नॉर्मली 20 ड्रॉप्स डाल के आधे कप पानी में लिए जाते हैं. इसके अलावा ग्रैंडेलिया क्यू जो है वो, अगर रात की कफ हो, रात को बहुत एकदम से आँख खुल जाए, खांसी हो काफ़ी, तो उसके लिए ग्रैंडेलिया होती है, वो आप ले सकते हैं. इसके अलावा R43 है, वो भी 10 ड्रॉप्स हैं. और ये अलग से हैं, ये डॉक्टर रेकेवेग एंड कंपनी की है, जर्मनी की है. इसमें जो है 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स डेली लेने होंगे, दिन में 3 मरतबा 10 ड्रॉप्स लेने होंगे. और बीएम वालों की भी एक है, बीएम वालों की जो है वो BM97 के नाम से है, और अस्थमा के लिए और एलर्जीज उसमें आगे लिखा हुआ होता है पैकेट में. ये 5 ड्रॉप्स मॉर्निंग और इवनिंग में लेने चाहिए. तो नाज़रीन, ये था अस्थमा पे एक छोटा सा वीडियो जो कि मैंने आपको उसमें डिटेल्स बताई, कॉजेज़ बताएं और होम्योपैथिक रेमेडीज़ बताई. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.